बिहार में किसान आंदोलन को समर्थन देने और इसे तेज करने के लिए राजद बड़े आंदोलन की तैयारी करने में जुट चुका है। इसके लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी घेरने की तैयारी है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट राजद के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, प्रेम कुमार मणि, आलोक मेहता आदि ने मिलकर तैयार किया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर किसानों मजदूरों को जागरूक करने के लिए पर्चे भी छपवाए जा रहे हैं। पार्टी ने तय किया है कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती को व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर पटना में भी बड़ा आयोजन किया जाएगा जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि राजद 11 लोगों की कमेटी बना रहा है जो किसान के सवाल और आंदोलन की मॉनिटरिंग करेगी। इसमें पार्टी के वैसे वरिष्ठ सदस्य होंगे जो किसानों की समस्याओं की अच्छी समझ रखते हों और साथ ही केंद्र व बिहार सरकार की कृषि नीति को समझते हैं। राजद का मानना है भारत सरकार के कृषि कानून की शुरुआत बिहार में 2006 में हो गई थी जब बिहार सरकार ने बाजार समिति की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। भारत सरकार ने 5 जून 2020 को कोरोना लॉकडाउन के समय ही 3 कृषि बिल लाए और इन्हें राष्ट्रपति को भेजा और दोनों सदनों में सितंबर में पास भी करवा लिया। पार्टी के अनुसार यह प्राइवेट कंपनियों को बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश है। इसके साथ ही राजद एक नई मांग भी उठाएगा कि सरकार 60 से ज्यादा उम्र के किसानों को प्रति माह 5,000 रुपए पेंशन दे।